नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में मछली बाजार स्थानांतरण के बाद भी पुराने स्थान में हो रहा मछली का व्यापार। नए बाजार के व्यापारियों से कोई नहीं खरीद रहा मछलियां। नगर निगम रीवा की व्यवस्थाओं की पोल खुलती ये पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रीवा प्रशासन किस तरह बाजार व्यवस्था संचालन करती है। जहां एक तरफ तो सरकार हर एक सामग्री के लिए अलग अलग जगह तय की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी जगहों पर पुनः अतिक्रमण कर पुराने व्यापारी वैसे ही व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि नई बाजार से जो व्यापारी स्थापित हुए हैं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। यहाँ तक कि उनके द्वारा कर्ज लेकर परिवार चलाया जा रहा है। कुछ व्यापारियों ने तो 1,50,000 रुपए तक का कर्ज ले रखा है, जिससे उनकी आजीविका का संकट छा चुका है। यदि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आगे की स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अकबर खान है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये भैया, पहले खन्ना चौराहे पे दुकान थी हम लोगों की, अब ये मछली मार्केट आ गया है। मछली मार्केट में सब लोग अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। 12 दुकान है यहाँ पे, 12 खुल रही है, 12 बंद है, 24 दुकानें हैं टोटल। 12 खुल रही हैं, 12 बंद है, जिसमें से और लोग जो नहीं आए हैं वो बाहर मछली बेच रहे हैं। इस कारण हम लोग की मछली बिक नहीं रही और जो मछली लेते हैं हम लोग वो ख़राब हो जाती है। हम लोग का कर्जा हो गया 1.5 लाख रुपया, तो हम लोग कहाँ से ला के देंगे? या तो काम हम लोग बंद करके वहाँ जाएंगे जहाँ पे थे हम लोग, वहाँ हम लोग को भेज देंगे। खन्ना चौराहे पे थी जी, खन्ना चौराहा। अब ये आपका मछली मार्केट, ये मछली मार्केट यहाँ आ गया है, कनोड़िया पेट्रोल टंकी के पीछे झिरिया यहाँ पे आ गया। नगर निगम में आपने की जी 4-5 बार कर चुके हैं, पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। 1-2 बार उनकी दुकान सील हुई है जी, वो बेचते हैं, इसके बाद वो फिर खोल के फिर बेच रहे हैं। अब आपकी समस्या, यहाँ ग्राहक नहीं है? यहाँ ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहे भैया, वहीं पर मिल जाता है तो क्यों आएंगे यहाँ पे? अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहीं मिल जाता है। छोटे लाल सोनिया, किस तरह समस्या आपकी? समस्या ये बात की है कि नगर निगम ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोग मछली मार्केट में शिफ्ट हो जाओ और हम लोग यहाँ की दुकानें सब बंद करवा देंगे, सबको वहीं भेजेंगे। अब नगर निगम के पास मतलब इतना समय नहीं है कि जो दुकान वहाँ से नहीं आ पा रही हैं उनको यहाँ ले आके शिफ्ट करें, ताकि हम लोगों का धंधा चले। रीवा में कहीं अतिक्रमण रहता है, ठेला लगता है, गोमती लगती है, उसको तोड़वाने के लिए नगर निगम के पास का समय रहता है। दो दुकानदार मछली मार्केट खराब किए हैं, दो दुकान को नहीं बंद करवा पा रही है, एक वेंकट टाकीज के पास, एक सम्राट होटल के पास, इनको दुकान नहीं बंद कर पा रही है। अभी भी हम चल रहे हैं, अभी भी मछली बिक रही है। नगर निगम के पास एक बार नहीं 20 बार जाके हाथ गोड़ जोड़ लिए, शिकायत किए, लिखित में शिकायत दी है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ ग्राहक नहीं मिले, हम लोग की समस्या, मछली सड़ रही है, हम लोगों की मछली फेंकना पड़ जाता है, कर्जा मूड़ में चढ़ रहा है। अगर अब जहाँ पर हम लोग पहले थे वहीं पे जाके फिर बैठेंगे सड़क में, ताकि नगर निगम के अधिकारी लोग जब देखेंगे कि सड़क में मछली बिकने लगी, मीडिया फिर निकालेगी कि सड़क में बिक रही है, 1 करोड़ की मार्केट बनी हुई है, फालतू में पड़ी रही है, तो जब बंद करवाएंगे वो? ऐसे नहीं बंद करवा पाएंगे कि हम लोग बार बार जाते हैं उनके पास, विनती करते हैं, वो नहीं बंद करवा पा रहे हैं। अरे अभी समय है ठंडी का सीज़न हम लोग को कमाने का, बरसात में तो लाखों रुपये का घाटा खा चुके हैं, अब ठंडी में भी खा जाएंगे तो फिर कहीं के ना रहेंगे। किराया किसी पैसे से कोई है ही नहीं है।